हेलो एवरीवन, मैं कश्मीर सिंह, ड्राइंग टीचर। टुडे टॉपिक ऑयल पेस्टल पेंटिंग। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक सर्कल लगाना है। सर्कल कितना भी लगा लीजिए अपनी मर्जी से। ऐसे सर्कल लगाना है। आपने कलर कौन कौन से यूज करने हैं, पहले करना है आपने ये कलर यूज, रोज पिंक कलर, रोज पिंक। उसके बाद आपने करना है प्राइमरी रेड। उसके बाद आपने कलर यूज करना है वॉयलेट। उसके बाद आपने यूज करना है डार्क वॉयलेट। ठीक है, ये ऐसे यूज करने हैं आपने। तो देखिए कैसे ड्रॉ करोगे पेंट। सबसे पहले हम ये रोज पिंक कलर लेते हैं और बिल्कुल इस सर्कल के एक सर्कल के अकॉर्डिंग मतलब ये रोज पिंक कलर करने के बाद आपने क्या करना है, ये प्राइमरी रेड कलर यूज करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे बिल्कुल रोटेट। ठीक है, आपने ये प्राइमरी रेड कलर यूज करने के बाद आपने वॉयलेट कलर करना है, डार्क वॉयलेट कलर। डार्क वॉयलेट कलर ऐसे कीजिए। ठीक है, इस साइड में भी ऐसे और इस साइड में भी। ठीक है, ऐसे करने के बाद फिर आपने ये वॉयलेट कलर यूज करना है, वॉयलेट कलर इसके अंदर करना है। ठीक है, पूरे के अंदर फील कीजिए। इस प्रकार आपने ये कलर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, रफ कपड़ा या टिश्यू पेपर या कॉटन के साथ आपने अच्छे से इसको ऐसे प्रेस करना है। बिल्कुल ये देखिए, ऐसे साफ करना है। आपने जैसे ये बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल आप रफ कपड़े के साथ या टिश्यू पेपर के साथ आपने बिल्कुल इसको प्रेस करना है। उसके बाद इस साइड से भी ऐसे ही प्रेस करना है बिल्कुल। मिक्स होना चाहिए, ये पता नहीं लगना चाहिए कि मतलब ये सर्कल अलग है। ठीक है, अच्छी तरह से बिल्कुल फ्रेश करने के बाद आपने क्या करना है, स्टिक कलर से स्टिक कलर से आपने यहाँ पर जिसे ट्री की ब्रांच होती है ऐसी ब्रांच ड्रॉ करनी है। ठीक है,
ठीक है, आपने अच्छी तरह से ऐसे ब्रांच ड्रॉ करनी है। ठीक आपने ब्लैक स्टिक स्टिक के साथ या मार्कर के साथ ऐसे करने के बाद जो ऑयल पेस्टल कलर है, ब्लैक कलर है, जो जो ब्लैक कलर है, ये कलर आपने यूज करना है। और इसके ऊपर को जो आपने मार्कर यूज किया है उसके ऊपर को आप डार्क करने के लिए ये यूज कर सकते हो ऐसे। ठीक है, और लीफ बहुत सारी आप इसके अंदर लीव ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, इसके साथ भी ड्रॉ कर सकते हो और ब्लैक स्टिक के साथ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आप कलर कर सकते हो ऐसे, पूरे में फील कर सकते हो ऐसे। यानी जितनी भी ब्रांचेज है सभी में आपने लीव्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, अपनी मर्जी से लीव्स ड्रॉ कीजिए। आप ऐसे इसमें डिफरेंट लीफ बना सकते हो, अलग अलग लीफ बना सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपने एक बर्ड ड्रॉ करना है यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार आपने ये बर्ड ड्रॉ करना है ऐसे। और उसके अंदर, इसके अंदर बिल्कुल ब्लैक स्टिक कलर या कोई भी मतलब ऐसे, या ऑयल पेस्टल कलर भी कर सकते हो इसके अंदर, ऐसे फील कर सकते हो। ठीक है, आप इस प्रकार मतलब ये बर्ड के अंदर ब्लैक कलर कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करना बेस्ट से बेस्ट दिखाने की। जितने भी ये मतलब जो भी ये पार्ट दिखाई दे रहा है, जो भी लीफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल डार्क दिखाई देनी चाहिए, बिल्कुल डार्क दिखाई देनी चाहिए। ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।